नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम पहले लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे। ये स्टॉक 49 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.08% का अप मूव दिया है। आई एम ग्लैड कि ये ग्रीन में क्लोज हुआ है। मार्केट कैप है इसकी 5608 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.40 है। बुक वैल्यू इसकी 2.29 है। डिविडेंड यील्ड 0.20% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड होपफुली आने वाले टाइम में 50 डीएमए कोई गोल्डन क्रॉस देता हुआ दिखेगा प्राइस। एंड मीडियन से पी जो है बिल्कुल छोटू सी ऊपर रहती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रोथ के पीरियड में है तो अभी स्टॉक ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा ही। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो थोड़ा क्या काफ़ी नीचे है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई हैं। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी एनालिसिस में बात करी थी कि यहाँ पे इसको 50 की जो ये रेजिस्टेंस है, 50 और 51 की, इसमें इसको बहुत ज़्यादा हर्डल आएगा, क्योंकि पहले भी ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली फेस करी थी एंड इस बार भी इसको रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है और होगा ही। बट अच्छी बात यह है कि इसने ये जो है 48.50, इसको इसने बना लिया है अब अपना सपोर्ट, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि जब इसको ये सपोर्ट बना लेगा ना, तो हमें एक राहत की सांस आ सकती है बड़े आराम से। एंड वैसे भी नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक है, उसके बाद इसका सर्किट होपफुली चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें इसमें रन भी देखने को मिलेगा। तो अभी एक बार एंट्री की बात करने से पहले हम चलते हैं बीएससी पे। जैसे भी देखिए, जैसे कि अभी तक इसका प्राइस बैंड 10% का है एंड यहाँ पे तीन न्यूज़ आई हैं। एक तो है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की, लॉस ऑफ सर्टिफिकेट। दूसरी जो दोनों न्यूज़ है वो सेम है, तो उनमें से एक देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये एक ना इनका वेंचर है लॉयड्स कंस्ट्रक्शन, लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। अभी ये लिस्टेड नहीं है इस पे एक्सचेंज पे, तो अभी अनलिस्टेड है। तो उन्होंने बोला है कि मीटिंग रखी गई थी कि उन्होंने आज डिसाइड किया है कि इसके 12.25% शेयर जो हैं ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, लॉयड्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड को ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के पास थे। देखिए, पहले थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ आई थी कि इनके पास जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो उन्होंने कम करी थी, तो इक्विटी शेयर उतने ही रहे थे पर 50% से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग 25% करी थी और इनके पास शेयर जो थे, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहे थे। ठीक है, तो आज उन्होंने मीटिंग में बोला है कि जो उन्होंने 25% रहा हुआ उसका हाफ हाफ से थोड़ा सा कम ये कर रहे हैं ट्रांसफर लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिट, सॉरी लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के शेयर्स जो है वो लॉयड्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड को ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड जो कर रहे हैं ये 12.25% कर रहे हैं इसको, लॉयड्स इंटरप्राइजेस को। एंड 0.50% जो है वो कर रहे हैं महाप्रभु वेंचर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि महाप्रभु ये जो वेंचर है वो किसका है एंड क्या है। वैसे वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंगेज करता है वो है मेटल एंड मिनरल सेक्टर इन भुवनेश्वर। तो इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अगर किसी को जानना है तो मैं बता दूंगी कि ये कौन, इसमें कैसे ये रिलेटेड है इसके, एंड इन्होंने क्यों किया, तो काफ़ी डीप स्टडी हो जाएगी वो। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं डीप स्टडी कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इतना बहुत कम जो है वो क्वांटिटी इन्होंने ट्रांसफ़र करी, हालांकि ये भी बहुत सारे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट हो सकता है कि इसका फ़र्क पड़े भी, तो एक बार स्टडी कर ही लूँगी मैं, आपको बता दूंगी बाद में। तो एक ये मीटिंग हुई है कि इन्होंने ये ट्रांसफ़र किए हैं इसके बारे में, एंड यहाँ पे उसकी डिटेल्स बताई है थोड़ा सा कि क्या क्या उस पर क्या होगा। एंड लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंड इट विल बी नो लॉन्गर बी द अनलिस्टेड एसोसिएट ऑफ द कंपनी विद द इमीडिएट इफेक्ट, द डिटेल्स एंड प्री एंड पोस्ट का इतना इतना है, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। दोनों में एक ही न्यूज़ है, तो बेसिकली
मुझे वैसे तो लग नहीं रहा कि इतना कोई फर्क पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत फर्क इस न्यूज का पड़ भी सकता है। समथिंग इज कुकिंग, जो इन्होंने अपने शेयर्स जो हैं अनलिस्टेड कंपनी के, इतने सारे शेयर्स, बहुत सारे होते हैं, 12.25% जो हैं उसको लॉयड्स इंटरप्राइजेस को करे हैं ट्रांसफर। तो लॉयड इंटरप्राइजेस और ये कैसे लिंक्ड हैं, एक बार वो भी देखना पड़ेगा डिटेल में। अगर किसी को जानना है तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वीडियो में इतनी मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है सारी डिटेल्स निकालने में। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अगर कोई कमेंट करके बोल देगा कि हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है अगर आप भी इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि मैं मेहनत, ऑफ कोर्स मेरा तो चलो इन्वेस्टेड है ही है, मैं तो खुद के लिए कर ही रही हूँ, बट ऑफ कोर्स आपको भी कुछ अगर न्यूज़ मिलती है, अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो कोई, तो आप बता सकते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन जाननी होगी डिटेल में तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी, एक और वीडियो बना दूंगी, कोशिश करूंगी बताने की। तो अभी के लिए, क्योंकि मेरे को इतना अप्रिसिएशन मुझे लगा नहीं कि मिला है कि मैं इतनी डिटेल डिग करके सारी निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं, तो मोटा मोटा भी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि ये सपोर्ट पे अभी कर रहा है ट्रेड, जो कि एक काफी अच्छी बात है। एंड अगर ये स्टॉक नीचे गया तो मुझे लगता है कि ये वाला जो है 47 का, इसका अगेन सपोर्ट बनता है, बट उम्मीद है कि ये नहीं जाएगा। एंड अगर ये कल मंडे को, जो भी अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, तब इसने अगर अपमूव दे दिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस भी देखने को मिल सकता है। एंड हालांकि प्राइस बैंड भी चेंज होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम मूव की एक उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्रीज ओपन होती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मैं 15% की उम्मीद कर रही हूँ, और ये मैं उम्मीद कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में। मतलब ये जो ओपन होगा हमारा अप्रैल में, तो ये ओपन होगा हमारा कौन सा डे है, अप्रैल में 1 अप्रैल को है मंडे, राइट? मंडे को ये ओपन होगा एंड फ्राइडे को ये क्लोज होगा, 5th को है फ्राइडे, तो 5 दिन है हमारे पास। एंड उन दिनों में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 15% हमें दे जाएगा। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट टर्म का टारगेट है हमारा। एंड जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है हमारा, वो हमारा वही टारगेट है जो हमारा पहले था, कि जब तक रिजल्ट आता है मुझे लगता है 75-80 के आसपास बड़े आराम से ट्रेड करता हुआ हमें दिखेगा। हालांकि उससे पहले, इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है कि ये इसी महीने का टारगेट है, और हो सकता है कि 20-25 तारीख तक ही हम इसको अचीव कर पाएं, क्योंकि जब जैसे ही ये निकलेगा सर्किट से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो 75 में, तो मुझे लगता है कि 70 और 80 के बीच में ट्रेड करता हुआ हम देख सकते हैं। तो फिर भी हम इस मार्च के एंड तक का ही लेके चलते हैं। एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का हो गया, बट शॉर्ट टर्म की एंट्री में थोड़ा सा मार्केट को देख के बनाऊंगी, क्योंकि अगर मार्केट में बहुत वॉलीटिलिटी रही तो हो सकता है, वैसे तो ये सपोर्ट मुझे लगता है काफी स्ट्रांग है, अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया, अगर नहीं करा तो हो सकता है कि हमें ये थोड़ा सा नीचे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि मंडे को थोड़ी सी इसमें ना हमें देखने को मिलेगी फ्लक्चुएशन, थोड़ी सी वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। एंड अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर जाता है 50 की, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया। अगर नहीं किया तो हो सकता है कि इसके 50 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ हमें फिर से दिखे। ठीक है, तो अभी साइंस क्या क्या है, देखिए तो वॉल्यूम आज काफी इंक्रीज हुआ है, इतना भी नहीं हुआ है बट फिर भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। एंड एक बार इसको हम देख लेते हैं, इसका हमें गोल्डन क्रॉस का तो पता चल ही गया। एंड RSI ने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, मुझे लगता है उसके बाद ऊपर उठ सकती है। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि इसने इसको सपोर्ट बनाया है। तो अभी के लिए देखे तो BSE पे हमने ओपन कर लिया था, अभी NSE का देखे तो NSE पे आज जो वॉल्यूम आया है वो काफी कम आया है, BSE पे इनफैक्ट वॉल्यूम बढ़ा है। मैं BSE का चार्ट लेके चली हुई थी अभी, बट ऑफकोर्स कैंडल सेम होती हैं, तो अभी हम NSE पे आ गए हैं। तो NSE पे आज वॉल्यूम आया है 3.68 मिलियन का, एंड कल जो वॉल्यूम आया था वो 6.75 मिलियन का आया था। वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, काफी कम हुआ है इनफैक्ट, थोड़ा क्या काफी कम हुआ है, बट यहाँ पे हमें ये हो गया कि सपोर्ट बना गया। एंड अभी के लिए लेके चले तो वही टारगेट हम लेके चले हैं कि यहाँ पे हमें, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मुझे फिर से फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 75 to 80 लेके चले हैं, क्योंकि ये NSE पे है तो हमें इसको फिर से फिक्स करना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, इसको हम यहाँ से फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ के लिए हमें लगभग लगभग 15% के मूव की हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वो BSE पे था, तो यहाँ पे हम लगभग लगभग 15% के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं।
तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमें थोड़ी सी देख के बनानी पड़ेगी मार्केट में। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन या आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड